मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है, चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे, किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूंछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे हैं, किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले ही संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती है। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाएं, भाव में, विचारों में लाएं। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है, वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहे राधे राधे।